हमारा दिमाग दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। वैज्ञानिकों की कई बरसों के रिसर्च के बाद भी हमारा ज्ञान इस मामले में पूरा नहीं है। आज जो आपको अपने दिमाग के बारे में पता चलेगा, उसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हमारे दिमाग में सूचना के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक 268 मील प्रति घंटा की स्पीड तक चल सकते हैं। हैरानी की बात है कि इस स्पीड पर तो बुलेट ट्रेन चलती हैं। जब आप जाग रहे होते हैं, तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट बिजली की ऊर्जा छोड़ता है, जो कि एक बिजली के बल्ब को जला सकता है। एवरेज अडल्ट ब्रेन का वजन 3 पाउंड लगभग 1500 ग्राम होता है और इसमें फर्म जेली जैसी बनावट होती है। हमारे दिमाग में 24 घंटे में 60,000 तक अलग अलग विचार आते हैं। इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। हमारे दिमाग में नर्व फाइबर की कुल लंबाई 8,50,000 किलोमीटर होती है। इसका मतलब इसका एक कोना पृथ्वी पर लगाकर और दूसरा चांद पर लगाकर वापस आएंगे तब भी बच जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? अगर हम अपने दिमाग के ब्लड वेसल्स को एक के साथ एक करके जोड़ दें तो उसकी लंबाई 1,00,000 मील होगी। भूमध्य रेखा पर दुनिया भर की दूरी 24,900 मील है। इससे पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है। दिमाग की ग्रोथ 5 साल तक 95%, 18 साल तक पहुंचते 100% हो जाती है। उसके बाद दिमाग का बढ़ना बंद हो जाता है। हमारे दिमाग में 75% पानी होता है। शरीर में डिहाइड्रेशन का सबसे पहला प्रभाव दिमाग पर ही पड़ता है। जब भी आपका दिल धड़कता है, आपकी ब्लड वसल्स आपके रक्त का 20-25% हिस्सा ब्रेन तक ले जाती हैं। मानव दिमाग में 1 सेकंड में 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होते हैं। सर में दर्द भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। रिसर्च से पता चला है, पुरुष और महिलाओं के दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। एवरेज पुरुष का दिमाग 1274 क्यूबिक सेंटीमीटर्स और एवरेज महिला का 1131 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होता है। ब्रेन का साइज मायने नहीं रखता है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि एक बड़ा ब्रेन छोटे ब्रेन की तुलना में अधिक स्मार्ट होता है, पर हम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स की संख्या दिमागी कसरतों से बढ़ा सकते हैं, जैसे सुडोकू, चेस, क्रॉसवर्ड पजल्स और ऐसे ही और गेम्स खेलकर। यह साबित हो चुका है कि शरीर के जिस भाग का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं वो उतना ही ग्रो करता है और लंबे समय तक चलता है। जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार माइंड चैलेंजिंग एक्टिविटीज में भाग लेने वाले अडल्ट्स में भूलने की बीमारी डिमेंशिया के चांसेस 63% कम होते हैं। अगर आपने पिछली रात को शराब पी थी और अब को कुछ याद नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, बल्कि ज्यादा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया याद नहीं रहता। दिमाग में 40% भाग ग्रे कलर का होता है और बाकी 60% भाग सफेद रंग का होता है। ग्रे भाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन का मुख्य काम करते हैं। हमारा अवचेतन मन चेतन मन के मुकाबले 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर दिमाग के एक छोटे से हिस्से अमिग्डाला को निकाल दिया जाए तो हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिन घरों में ज्यादा लड़ाई होती है, उस घर में बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा असर होता है जैसा युद्ध में सैनिकों के दिमाग पर। शरीर के बाकी हिस्सों की तरह दिमाग को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए गुड डाइट, व्यायाम और सही मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है। खराब हैंडराइटिंग वाले अच्छी हैंडराइटिंग वालों से ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हाथ से ज्यादा तेज चलता है। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, उनका दिमाग और लिखने की स्पीड में तालमेल होता है, इसलिए वो धीरे धीरे सुंदर तरीके से लिखते हैं। एक साथ कई काम करने से हमारे दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें। हमारे शरीर का दायां भाग दिमाग के बाएं भाग से और बायां भाग दिमाग के दाएं भाग से कंट्रोल होता है। दिमाग को 4 से 6 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो चलेगा, पर इससे अधिक समय तक ऑक्सीजन न मिलने पर यह डैमेज हो जाता है और मौत हो जाती है। दिमाग हमारे शरीर का सिर्फ 2% है, पर यह हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन लेता है और खून भी 20% इस्तेमाल करता है। दिमाग में 60% चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का फैटेस्ट ऑर्गन है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स हमारे आपके ब्रेन के बारे में। हमें पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।